गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा और जो जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेगा मैं उन सबको शाउट आउट भी देने वाला हूं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आप लोग मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को उसको सॉल्व करना होगा एंड वो आधारित होगा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में उन कॉन्सेप्ट पर। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन देने के लिए। आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड। लेट्स रोल द इंट्रो। मैं चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें इस प्लेलिस्ट को, यहाँ करके क्लिक इसको सेव कर लें। और उसी के साथ साथ अगर आपने कोड एक्सेस नहीं किया है तो वो भी गिटहब पे सारा का सारा अपडेटेड है वीडियो 11 तक, और मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर का नाम रखूंगा डेफिनेटली वीडियो 12। शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और इस चैलेंज को यार सब लोग एक्सेप्ट करना। देखो अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे मुझे दिल से अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ पर क्या करो कि मैं यहाँ पर index.html एक बनाऊंगा और आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, यू आर गिवेन 12 वीडियो फाइल्स, ठीक है 12 फाइल्स, 6 ऑडियो एंड 6 वीडियो Design a website using HTML only and which shows these 12 files. ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे वर्ड रैप। तो आपने करना क्या है कि आपको 12 फाइल्स दी हुई हैं और उन फाइल्स का नाम क्या है, 1.mp3, 2.mp3। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या नाम है उन फाइल्स का, 1.mp3, 2.mp3, all the way till 6.mp3। ये तो आपकी mp3 फाइल्स है। फिर आपके पास 1.mp4, 2.mp4, all the way till 6.mp4, ठीक है ये आपके पास फाइल्स हैं। तो इन सारी फाइल्स को, ये जो 12 फाइल्स हैं, आपको दिखाना है प्रीव्यू करके। तो आई होप कि ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके चैलेंज एक्सेप्टेड ज़रूर लिख देना यार सब लोग, क्योंकि अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप सबसे पहली फुर्सत में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख लो। और जो भी यहाँ पर कोड अपना देगा मुझे मैं उसको शाउट आउट दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड लिखने वाले को शाउट आउट मिलेगा फॉर श्योर। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना मुझे ज़रूर से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इसको करोगे कंप्लीट। और बहुत ही सिंपल सी ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार ये बहुत सिंपल है। एक चीज़ और आप लोगों से जो मैं उम्मीद करूँगा वो ये है कि आप कोशिश ये करना कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सो यही था क्वेश्चन हमारा आज का। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा। और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करने से क्या होता है कि आप अनकमेंट या कमेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये देखो अनकमेंट हो गया, और फिर से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो आपने जो है इस वेबसाइट को पूरा करना है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉब्लम है, सब लोग ज़रूर से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो पर इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।